हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इज दिव्या हेयर। आज हम ये वाटरप्रूफ मेकअप करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है प्लूम का फेस मिस्ट और अपने फेस में स्प्रे करते हुए उसे एब्जॉर्ब होने दिया है। उसके बाद मैंने अपने फेस में आइस लगाया है आइस पैक से, चाहे तो आप नॉर्मल आइस भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कम से कम 1 या 2 मिनट उसको आइस को अपने फेस में रब करना है। फिर मैंने उसको टिश्यू से अच्छे से अपने फेस को ड्राई करने के बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया है ताकि हमारा फेस वेल हाइड्रेटेड रहे। उसके बाद मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का पोर प्राइमर लगाया है ताकि हमारे जितने भी पोर्स हैं वो अच्छे से फिल हो जाए। मैंने अपने चीक्स, चिन और फोरहेड में भी लगाया है। उसके बाद मैंने मेबलिन फिट मी का कंसीलर लेके अपने आईलिड और अंडर आईज और नोज के ब्रिज और जो भी डार्क स्पॉट्स थे वहाँ लगा लिया है। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आपको सारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स की, शेड और प्रोडक्ट्स का नाम क्या है वो सब कुछ। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद अब मैंने लिया है मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन जो है शेड 220। एक पंप लिया है सिर्फ मैंने, उसे अपने फेस में अच्छे से लगा लिया है फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करते हुए और अपने नेक में भी लगा लिया है। उसके बाद मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि हमारा फेस में एक फ्लॉलेस ग्लो आ सके। अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन से आपको फुल कवरेज नहीं मिल रही है तो आप एक और पंप यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन का। उसके बाद फिर अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। टाइम लेके अपना फाउंडेशन को ब्लेंड करिए ताकि वो अच्छा सा फ्लॉलेस बेस बन सके। उसके बाद मैंने फिट मी का ही कॉम्पैक्ट लिया है और ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से अपने फेस में पाउडर को प्रेस कर लिया है ताकि हमारा फाउंडेशन या कंसीलर जो भी है वो क्रैक ना हो। उसके बाद मैंने लिया है ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर हनी ब्राउन शेड में और उसे अच्छे से पहले अपने आईब्रोज को फिल करने के बाद स्पूली की हेल्प से उसे कॉम करके मैंने अपने आईब्रोज को सेट कर लिया है ताकि हमारे आईब्रोज नेचुरल दिखे और फुलर दिखे। अब मैंने लिया है शुगर का कॉन्टोरिंग पैलेट में से कॉन्टोर, अपने फेस में कॉन्टोर किया है, पाउडर कॉन्टोर किया है अपनी लोअर जॉ बोन में, चीक बोन्स में, फोरहेड में कॉन्टोर किया है मैंने एक एंगल ब्रश की हेल्प से। उसके बाद फिर मैंने ब्लश लगाया है अपने चीक्स में एक पफी ब्रश की हेल्प से, नोज़ में भी लगा सकते हैं आप अगर आपको ब्लश ज़्यादा पसंद है तो। उसके बाद हाइलाइटर लेके मैंने अपने नोज़ की ब्रिज, चीक बोन्स में लगा लिया है हाइलाइटर ताकि हमारे फेस में एक नेचुरल ग्लो आ सके। उसके बाद मैंने एक शिमरी शेड लेके अपनी पूरी आईलिड में लगाया है एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद ब्लू कलर लेके मैं अपनी इनर कॉर्नर्स ऑफ आईज़ में डैप करूँगी। आप चाहे तो कोई और कलर भी ले सकते हैं जो आपके ड्रेस से मैच कर रहा हो। फिर उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का आईलाइनर लिया है जिसकी ब्रश की टिप बहुत अच्छी है, आप इसे विंग लाइनर आराम से बना सकते हैं। फिर मैंने लाइनर लगा लिया है अपनी आईज़ में। उसके बाद मैंने आइकॉनिक आई मस्कारा लेके ज़िगज़ैग करते हुए अपनी लैशेज में लगाया है और लोअर लैशेज में भी लगा लिया है। उसके बाद हाइलाइटर मैंने इनर कॉर्नर्स ऑफ आईज और आईब्रो बोन में भी लगा लूँगी ताकि हमारी आईज़ बिग दिखे। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन की लिपस्टिक लगाई है, आपको शेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने स्विस ब्यूटी का ही सेटिंग स्प्रे लेके स्पॉन्ज में स्प्रे करते हुए अपने फेस में डैप किया है ताकि हमने जो भी बेस मेकअप पुट किया था वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर यही आप नेक में भी करिए। उसके बाद मैंने पानी डाल के अपने फाउंडेशन पे टिशू से वाइप किया है, देख सकते हैं टिशू पे थोड़ा सा भी फाउंडेशन नहीं आया है। ये वाटर प्रूफ मेकअप प्लीज़ ट्राई करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।